बुंदेलखंड राष्ट्र समिति के स्वयंसेवक चौथे दिन भी अनशन के बीच बरसात में सैकड़ों कैरी ग्रामवासी उतरे। समिति के स्वयंसेवक बेसहारा गौवंश के सहारा के लिए प्रशासन से कर रहे हैं मांग। समिति के जिला अध्यक्ष पीसी पटेल पर दर्ज मुकदमा वापस लिया जाए। बुंदेलखंड राष्ट्र समिति अपनी मांगों को लेकर चौराहे पर चौथे दिन अनशन पर बैठा रहे। अनिश्चितकालीन धरना में बुंदेलखंड राष्ट्र समिति के प्रमुख दालचंद मिश्रा ने कहा, धर्म भ्रष्टाचार गबन चोरी अन्याय किसानों की आवाज उठाना क्या सरकारी काम में बाधा डालना है, क्या अगर यह बाधा डालना है तो संविधान के या आईपीसी के किस अनुच्छेद में आता है। और उन्होंने कहा कि जब तक बुंदेलखंड राष्ट्र समिति के जिला अध्यक्ष पीसी पटेल जनसेवक के खिलाफ पंचायत सचिव अंकित अवस्थी जी के द्वारा दर्ज कराए गए फर्जी मुकदमा जिला प्रशासन द्वारा वापस नहीं लिए जाते व दोषी सचिव के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई नहीं की जाती, तब तक हमारा धरना जारी रहेगा। आज चौथे दिन धरने व मांगों के समर्थन देते हुए ग्राम सभा कायरी ब्लॉक बिसिंडा से सैकड़ों किसान और महिलाएं सम्मिलित हुई। उन्होंने इतनी गंभीर मौसम, खराब मौसम, बारिश के कारण बारिश के बावजूद पहुंचकर कंधे से कंधा मिलाकर लड़ाई को अंतिम सांस तक लड़ने का वादा किया। धरने को निम्नलिखित लोगों ने संबोधित किया, दालचंद मित्र, समर सिंह, अमित यादव प्रभारी बुंदेलखंड, सुमित मुन्नी देवी, मीरा देवी, प्रदीप मिश्रा, अभिलाषा पटेल। आज वही धरने पर अभिषेक यादव, कृष्ण दयाल राम, रुचि, ललित गुप्ता, लक्ष्मण लाल, रोहित कोटा ब्रिज, राकेश कामता प्रसाद, राजू वर्मा, धर्मेंद्र, लवलेश मौर्य, कामता प्रसाद, राजू वर्मा, हरिओम, सुमन देवी, अखिलेश आदि सहित सैकड़ों किसान मौजूद रहे। वही आज अनशन पर अमित यादव प्रभारी, बीआरएस राजा भैया, लवलेश गुप्ता, राजू वर्मा, कृष्ण दयाल, पीसी पटेल अनशन पर बैठे रहे। रिपोर्ट राधेश्याम गुप्ता बांध। मेरा नाम समर सिंह है और मैं बुंदेलखंड राष्ट्र समिति का एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ। ये जो अनशन चल रहा है पीसी पटेल पर फर्जी दर्जी मुकदमा को लेकर, अन्याय और जो जिला प्रशासन है उसके न सुनने पर ये अनशन है। दरअसल कुछ मामला इस तरह का है कि हमारे जो बुंदेलखंड राष्ट्र समिति और हमारे सभी लोगों के चहेते समाज सेवी पीसी पटेल जी हैं, तो कैरी ग्राम पंचायत है बिसंडा ब्लॉक के अंतर्गत, वहाँ का एक मामला है कि वहाँ का क्या, लगभग आप हर जगह देखें तो गोवंश के साथ क्या हो रहा है, सभी लोग परिचित हैं इस बात से, इस तरह से धन को आपस में बांट लेते हैं ग्राम सचिव और प्रधान मिल करके। तो जब ये मामला कैरी ग्राम पंचायत में हुआ तो वहाँ के लोगों ने, जो कि आज आप देख सकते हैं मेरे पीछे बहुत सारी भीड़ वहाँ से आए हैं ये लोग इस तरह की बारिश में समर्थन के लिए इस अनशन को, तो जब सूचना दी गई पीसी पटेल जी को, वहाँ पर मौके पे जाकर देखा बहुत से गोवंश जो कि कुछ मरे थे कुछ अधमरे दबाए गए थे पुआल के नीचे, जब इस बात की शिकायत की गई और वहाँ पर तमाम आला अधिकारी माननीय जिलाधिकारी महोदय के साथ पहुँचे, तो उसी समय वहाँ के सचिव अंकित अवस्थी जी को निलंबित कर दिया गया। और जो उन्होंने बाद में फर्जी FIR की कि सरकारी काम में बाधा डाली, पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा, हो सकता है मेरी बात में आप लोगों को हंसी लगे कि सरकारी कर्मचारी काम करता कहाँ है सही से, भाई वो कह रहे हैं कि बाधा उत्पन्न किया, अरे आप सही से काम तो करो पहले, आप काम ही नहीं करते हैं तो बाधा कहाँ से उत्पन्न हो गई। और अगर के ऊपर जो मुकदमा है उसके लिए आप कहाँ तक लड़ाई लड़ेंगे, उसके लिए ये जितना भी हम लोगों के पीछे आप देख रहे हैं और अन्य भी लोग जो बारिश की वजह से नहीं आ पा रहे, लेकिन हर गांव से समर्थन है और हम लोग इस अनशन को अनवरत जारी रखेंगे तब तक जब तक ये फर्जी मुकदमे वापस नहीं हो जाते। तो इसमें कोई डर या कोई ऐसी बात नहीं है, हम लोग पूरी तरह से तैयार हैं इस लड़ाई को आर पार करने के लिए। हैं किस मामलों को लेकर अनशन में बैठे? हम इसलिए हैं कि जब सचिव के द्वारा कार्रवाई, पीसी पटेल के द्वारा कार्रवाई सचिव ने किया, क्योंकि पशु मारे हुए पड़े रहे थे कैरी गांव में, जब ने पीसी पटेल को सूचना दिया गया तो पीसी पटेल पहुंचा तो वहां कुल गाय मरी हुई पैरा में दाबी थी, कुछ जिंदा दाबी थी, कुछ मरी हुई हुई थी। पीसी पटेल देखा तो पीसी पटेल ने कहा तो सचू पीसी पटेल के द्वारा कार्रवाई कर दिया। सुनो, अय्या सचू के द्वारा कार्रवाई क्यों नहीं की गई? हम पीसी पटेल के साथ हैं, जब तक मुकदमा वापस नहीं लिया जाएगा तब तक हम पीसी पटेल के साथ रहेंगे। और पीसी पटेल सबके साथ भलाई करता है, किसी के साथ अन्याय नहीं करता है। क्या नाम है आपका? मेरा मुन्नी देवी, कोर्रम गांव। मेरा नाम पीकू पटेल है, मैं कैरी ग्राम से हूँ। कैरी गांव में क्या घटना हो गई थी? ये घटना हुई थी कि जो है हमारे गांव में जो है हर जो है दिन जो है पशु अन्ना कर देते थे, लगभग जो है मेरी पर्सनल तीन बेघी की फसल गेहूं की नष्ट हो गई,
अन्य किसान दोस्तों मेरे भाइयों की नष्ट हो गई, जिसमें जो है हम समाज सेवी पीसी पटेल जी को जो है बताया कि पीसी जी हमारे गांव में बड़ा अत्याचार होता है प्रधान और सचिव के द्वारा, और पशुओं को जो है जो पैसा आता है ये लोग आपस में जो है डकार जाते हैं। पीसी पटेल जी संज्ञान लिया, गांव पहुंचे, फाटक में जब गए हम लोग जो है गांव पूरा एकत्रित हुआ, बहुत सारे लोग गए, माननीय डीएम साहब भी गए, सीडीओ साहब गए, बीडीओ साहब गए, तहसीलदार साहब गए, एसडीएम साहब गए, डॉक्टरों की टीम गई। जब मौके में देखा गया फाटक में तो तमाम गायों पैरा में दबाई थी, कुछ तो जिंदा वहाँ निकली, जिसमें जो है पीसी पटेल जी को हमारे सामने और गांव के सामने माननीय सचिव महोदय जी गंदी गंदी बातें कहीं, जिसमें जो है सीडीओ साहब ने वहाँ सचिव महोदय को हड़काया। फिर उसके बाद क्या हुआ है? उसके बाद ये हुआ कि डीएम साहब आए, देखा जानवरों को कि क्या जानवर वहाँ मरे हुए छिपाए गए थे कि फर्जी? बिल्कुल बिल्कुल छिपाए गए थे, हम लोग आँखों से देखा है वहाँ। पीसी पटेल जी हमारे साथ थे, सीडीओ साहब थे, एसडीएम साहब थे, तहसीलदार साहब थे, यहाँ तो जिला अधिकारी थे। जिला प्रशासन का कहना है कि पीसी पटेल उन मरे हुए जानवरों को लेके वहाँ गया है। नहीं नहीं, ये झूठ बात है, ये झूठ बात है, बिल्कुल झूठ बात है। तहसीलदार साहब थे, एसडीएम साहब थे, आला अधिकारी थे वहाँ मौके में। अच्छा, ये जो सचिव साहब ने जो रिपोर्ट दर्ज कराई है पीसी पटेल के खिलाफ, क्या वो सही है? नहीं नहीं, ये बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। जो गलत रिपोर्ट दर्ज है तो उसके लिए आप लोग कहाँ तक कदम उठाएंगे? हम वहाँ तक करेंगे कि पानी में अगर भीग के आ सकते हैं तो मर जाएंगे, मिट जाएंगे पीसी पटेल के साथ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम टिंकू पटेल है।